कभी कभी अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक नई सोच की, जो हमें बता सके कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है। हमारे अगल बगल ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तारीफ के काबिल हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे ही कंपैरिजंस हैं जिन्हें देखकर आप अपना कुछ चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदल देंगे। खेतों में बकरियों की गिनती क्यूट एनिमल्स में आती है, पर क्या आपने कभी ऐसी बकरी देखी है जिसे देखकर ऐसा लगे कि ऐसी बकरियां शायद परियों की कहानियों में होती होंगी? तो पेश है गुलबी गोट। ये इतनी प्यारी है कि सऊदी अरब के एक बकरी सुंदरता प्रतियोगिता में इसे $67,000 में बेचा गया। खैर, अब बात कुछ अलग है, क्योंकि ये व्यस्क बकरी अपनी सुंदरता खो चुकी है और दूसरे कारणों से लोगों का ध्यान खुद अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या आप इन तस्वीरों में मौजूद चीजें क्या हैं इसका अनुमान लगाकर कह सकते हैं कि ये तस्वीरें किस चीज की हैं? क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिगर ए में दिखाई गई तस्वीर एक हाइपोडर्मिक नीडल की है, जिसे मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस तस्वीर में सिर्फ यही एक चीज है जो कि मानव निर्मित है, बाकी की तस्वीरें प्रकृति में पाई जाने वाली भीषण नुकीली वस्तुओं के माइक्रो शॉट्स हैं। बाएं से दाएं हमारे पास एक वाइपर का फन, एक मकड़ी का फन और एक बिच्छू का डंक है। इनमें से तो सिर्फ सुई लेना ही मैं पसंद करूंगा। ये तस्वीर शायद आपको असाधारण ना लगे जब तक आप इसे नजदीक से नहीं देख लेते। इस विशालकाय माइनिंग ट्रक को फॉलो कर रही है एक स्कूल बस। इस तरह के माइनिंग ट्रक सड़कों पर काफी विशालकाय माने जाते हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि CAT 797F जो दुनिया में सबसे बड़ी है, इसकी कीमत है तकरीबन 5 मिलियन और 50 फीट ये लंबी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बस ड्राइवर ने खुद को बहुत ही हीन महसूस किया होगा, क्योंकि ये दाना उसे आसानी से कुचल सकता है। अविश्वसनीय आकार की बात करें तो RMS टाइटैनिक को दुनिया की सबसे बड़ी शिप माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। पर इस इमेज को देखकर आप अपनी सोच बदल देंगे। यकीनन 1912 में टाइटैनिक सबसे बड़ी शिप थी, पर आज के जहाजों की तुलना में टाइटैनिक बहुत ही छोटी दिखती है। अब इस जहाज को ले लीजिए जिसका नाम है ओएसिस क्लास। कैसे ये अपनी परछाई से टाइटैनिक को ढक देता है। ओएसिस हर पहलू में टाइटैनिक को मात देता है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी है 8,461 जो कि टाइटैनिक में सिर्फ 3,547 थी। 9 की तुलना में इसमें 16 डेस्क हैं। इन दोनों ही जहाजों की स्पीड 23 नॉट्स की है। टाइटैनिक शायद आपको बेहद छोटी लगे, पर आप तब ज्यादा शौक हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में इस्तेमाल की गई रिंग्स असल में इंसानों के दो हाथों जितनी बड़ी है। इस प्लेट की साइज की रिंग को दरअसल क्लोजअप सीन्स में हीरो हीरोइन को साथ में दिखाने के दृष्टिकोण से इस्तेमाल में लाया जाता था। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी साइज का अनुमान लगाना आसान नहीं है। अब प्लूटो और ऑस्ट्रेलिया के बीच की इस तुलना को ही देख लीजिए। देखिए कैसे प्लूटो ऑस्ट्रेलिया के सामने नगण्य महसूस होता है। एक ओर जहां ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई 4000 किलोमीटर है, वहीं दूसरी ओर प्लूटो का डायमीटर 2370 किलोमीटर है। अब समझ आया कि प्लूटो को साल 2016 में ड्वार्फ प्लेनेट का नाम क्यों दिया गया। हमारी पृथ्वी के साइज का अनुमान लगाना काफी कठिन है, पर यह आश्चर्यचकित कर देने वाली इमेज आपको दिखाएगी कि एक सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं। ये नीले रंग के मोती पृथ्वी को दर्शाते हैं। सच कहूं तो ये वर्णन भी गलत है, क्योंकि सूर्य के अंदर तकरीबन 1.3 बिलियन पृथ्वी समा सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य स्वयं ही सौर मंडल का 99.86% कवर करता है। कभी कभी हम जिसे सच मानते हैं दरअसल वो हकीकत में इंसानों के द्वारा फैलाई हुई गलतफहमी का परिणाम है। इस फोटो में आप वेलोसिरेप्टर की खोपड़ी के साथ साथ एक टीरेक्स का दांत देख सकते हैं। ये तस्वीर साफ दर्शाती है कि डायनासोर युग के बारे में कही गई सभी बातें सच नहीं है। आपको आज तक लगता था कि वेलोसिरेप्टर बहुत ही खतरनाक जीव है, पर ऐसा नहीं है। वेलोसिरेप्टर हकीकत में पंख वाले जानवर थे जो साइज में टर्की जितने ही थे, लेकिन इनकी क्षमता पर कभी संदेह मत कीजिएगा, ये हमेशा ही जानलेवा साबित हुए हैं। सभी स्कूल के कॉरिडोर्स एक जैसे ही दिखते हैं, पर क्या आपने कभी इन दरवाजे के हैंडल्स को नोटिस किया? समय के साथ इन मेटल के हैंडल्स की चमक कम होती जाती है, और खास करके राइट साइड के हैंडल्स। अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती है, और इन दरवाजों की हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कम बच्चे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं दरवाजा खोलने के लिए। देखा जाए तो इस तस्वीर में मौजूद 7-Up की बोतल और प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब में हरे रंग के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है, पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक ही चीज है तो चौंकिएगा मत। इस प्लास्टिक मटेरियल को पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट के रूप में जाना जाता है, और इसे रोटरी मशीन की मदद से फुलाकर इस बोतल का आकार दिया जाता है। इस इमेज को देखकर शायद आपको लगे कि यहाँ पर कोई खराब पार्किंग की कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई होगी, पर बात कुछ और ही है। दरअसल पहली इमेज है लेजर आई सेंटर के सामने के पार्किंग की, जो न्यूयॉर्क के ब्रेंटवुड में स्थित है। वहीं दूसरी है टेक्सास में एक शराब की दुकान की। देखा जाए तो आंशिक रूप से नेत्रहीन लोगों का ड्राइव करना खतरनाक साबित हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि शराब की दुकान के सामने की पार्किंग के लिए आई साइट को दोषी माना जा सकता है।
आप इनमें से कौन सी राशि लेना पसंद करेंगे, बाएं ओर की थप्पी या फिर दाएं ओर पर मौजूद इतने सारे बंडल्स? सच्चाई ये है कि दोनों राशि एक ही अमाउंट की है, बस फर्क इतना है कि एक बंडल $100 नोट का है तो वहीं दूसरा $1 के नोट का। इस शानदार जियोमेट्रिक पर्स को देखिए। अब इसी पर्स की तस्वीर को देखिए, जिसे फ्लैश लाइट के साथ क्लिक किया गया है। ये बैग बनी है होलोग्राफिक मटेरियल से, जो अत्यधिक रोशनी में चमक उठती है। इस टेक्नोलॉजी का कई बार कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, अनचाहे फोटोग्राफर से बचने के लिए। इन कपड़ों को देख आपको किसी तरह का शक नहीं होगा, पर जब कभी भी आप फोटो लेने जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी गुमनाम ही रहेगी। हम में से अधिकांश लोग न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर को झट से पहचान जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट से भरी बिल्डिंग्स यहाँ शाम के समय में एक शानदार नजारा बनाती है। लेकिन अगर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स पर पाबंदी लगा दी जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जगह सूनी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जगह अपनी चमक खो देगी। लेकिन आपकी पसंद के अनुसार ऐसा वाकई में किया जा सकता है। एनिमल किंगडम कभी भी हमें चौंकाने से पीछे नहीं हटता। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें हाथी के पैरों का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे पैर भी इन चार पैर वाले दोस्तों के समान ही हैं। दरअसल हाथियों को डिजिटी ग्रेट वॉकर्स कहा जाता है, क्योंकि वे अपने पैरों की उंगलियों पर चलते हैं और उनकी हील्स थोड़ी गद्दीदार होती है। नतीजा ये है कि हम एक छोटे से मानव के पैर को देख सकते हैं, जो एक वैग्ड अग बूट के अंदर है। स्वीडन की ये इमारत पूरी तरह से रचनात्मकता का एक नमूना है। ये बिल्डिंग हमारी आंखों से छल करके एक 3D इफेक्ट देती है। इस तरह की कलाकृति को ट्रॉमले ऑयल या आंख के छाल के रूप में जाना जाता है, और इस तरह की कला के नमूने दुनिया भर में देखे जा सकते हैं, जिसमें जर्जर इमारतों को कला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या बात है, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा रंग कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। वो कहते हैं ना, सभी कहानियों के दो पहलू होते हैं। स्नैपचैट पर अपलोड की गई ये पिक इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक ओर जहां इस लड़की ने अपने प्रेमी के बारे में प्यारी बातें लिखी हैं, वहीं इसके प्रेमी ने लिखा कि एरिया 51 का मिशन सक्सेसफुल रहा। उम्मीद करता हूँ इस लड़की ने उसकी बातों को दिल पर ना लिया हो। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि शायद एक दिन हम ये भूल जाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं। जरा इस 1970 की 10 मेगाबाइट की स्टोरेज डिस्क पर नजर डालिए, जिसे हम कंपेयर करेंगे 1 TB के टेट्राबाइट की मेमोरी कार्ड से। ये छोटा सा कार्ड तकरीबन लाख गुना ज्यादा स्टोरेज कर सकता है। इससे भी ज्यादा क्रेजी कर देने वाली तस्वीर है 1956 की 5 MB की ये हार्ड ड्राइव, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। आजकल तो 2 TB की हार्ड ड्राइव भी कहीं पर भी ले जाई जा सकती है। यही नहीं, इसमें 4 लाख गुना ज्यादा डाटा भी सेव किया जा सकता है। विकास की ये तीव्र दर इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर के नियम को दर्शाती है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाएगी। देखा जाए तो डेटा स्टोरेज के अलावा और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो तेजी से तरक्की कर रही हैं। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए, जिसमें 1990 से लेकर आज तक के सभी गैजेट्स को कंपेयर किया गया है। आज हमारे पास एक स्मार्टफोन में वो सब कुछ है जो कि हमें चाहिए था, पर ऐसा पहले नहीं था। साल 1998 के इस स्मार्टफोन को देख लीजिए, जिसे आज आईफोन के साथ रखा गया है। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? चौंकिएगा मत, पर ये कोई असली कुत्ता नहीं है। इनफैक्ट ये फोटोग्राफ किसी के पालतू कुत्ते के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी स्पेशलिस्ट मिशेल स्टब द्वारा बनाई गई एक इंटरिकेट डिजाइन है। इतना बेहतरीन और महीन काम हमारी आंखों को कंफ्यूज कर देता है कि फोटो कहाँ खत्म होती है और कला कहाँ पर शुरू होती है। कुत्ते की तस्वीरें काफी मनमोहक होती हैं, पर शावर में ली गई पपीज के फोटो की बात ही कुछ और है। अब इस पामेरियन को देख लीजिए, एक नहाने के पहले की और दूसरी उसके बाद की। ऐसा लगता है जैसे कि नहाने के तुरंत बाद ही ये फूल गया हो। अब इस कुत्ते को देख लीजिए, इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक ही कुत्ते की है। आपको शायद हस्की कुत्ते पसंद हो, पर क्या आपने इस कुत्ते को बिना बालों के देखा है? ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये दोनों अपार्टमेंट शायद एक जैसे लगते हों, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनमें से एक हैवी स्मोकर्स का है, आप बता सकते हैं कौन सा? इसी तरह वियतनाम में डा नांग हवाई अड्डे के निर्दिष्ट धूम्रपान और गैर धूम्रपान क्षेत्रों के छत की टाइलों की ये तस्वीर देखिए। इसे देखकर आप ये जरूर सोच सकते हैं कि आपके लंग्स जिंदगी भर स्मोकिंग के बाद कैसे दिखते हैं। अगर इस छत की हालत ये है तो आपके फेफड़ों का क्या हुआ होगा? इस हवाई फोटोग्राफ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भविष्यवादी है। दरअसल ये फोटोग्राफ्स हेनरी डो द्वारा दिन और रात में शूट किए गए बार्सिलोना शहर की है। इस सर्किट बोर्ड जैसे हाउस को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि सभी 900 ब्लॉक्स एक जैसे ही बनाए गए और एक डायगोनल रास्ते से इसे डिवाइड किया गया है, जिसे आयंगुडा डायगोनल भी कहते हैं। इन सुपर ब्लॉक्स को 9 के समूह में बनाया गया और यहाँ पर ट्रैफिक भी सीमित है, जो इसे ज्यादा सामाजिक और कार फ्री जोन बनाता है। अब इन दोनों तुलनाओं को ही देख लीजिए, बताइए ये एक प्लेन है या फिर एक पक्षी? वेल, दोनों ही जवाब सही है। ये तस्वीर है एक बाज की और खतरनाक B2 की, जो कि चुपके से बम डालता है।
दोनों ही अविश्वसनीय रूप से तेज और किलिंग मशीन्स के रूप में जाने जाते हैं। इस जापानी प्रदर्शनी में एक डस्की शार्क का सर और पैसिफिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन के ब्रेन को कंपेयर किया गया। अब पता चला कि डॉल्फिन को एनिमल किंगडम में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी क्यों माना जाता है। उनका अतिरिक्त मुड़ा हुआ कॉर्टेक्स उन्हें इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोसेसिंग पावर देता है। यही दो भाग में बांटे हुए ब्रेन डॉल्फिन को बहुत खास बनाते हैं। जब ये एक ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब दूसरा आराम कर रहा होता है। काश कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होता। ये अद्भुत तुलना यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी इंसानों के फेफड़ों को घोड़ों के फेफड़ों से कंपेयर किया है? अगर नहीं तो ये है आपका जवाब, मानो या ना मानो, पर ये पूरी तरह से फुलाए हुए फेफड़े हर सेकंड में 10 गैलन के बराबर हवा अंदर ले सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ मांसपेशियों को शक्ति देने के लिए तो ऑफ कोर्स मोटे पाइप्स की जरूरत पड़ेगी। यदि आप उन घोड़ों के फेफड़ों के बगल में मनुष्य के आकार से हैरान हो गए थे तो खुद को इस फोटो के लिए तैयार कर लीजिए। इस फोटो में एक छोटे आकार का गोताखोर कैसे हम्प बैक वेल के साथ हाथ मिला रहा है। ये बंदा हवाई के तट पर जब तैर रहा था तब डबल डेकर के साइज की इस वेल ने अपना फ्लिपर इस मनुष्य की ओर बढ़ाया। इस 52 फीट लंबी और 36,000 किलो के जानवर से हाथ मिलाना काफी डरावना रहा होगा। अगर इस पिक्चर से आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर इस ब्लू वेल के यौन अंग को ही देख लीजिए, कैसे मानव इसके सामने छोटा लगता है। शायद यहाँ किसी का दिन आपसे भी ज्यादा खराब चल रहा हो। इस बेचारी ने वाटर स्लाइड में ऊपर से नीचे आते वक्त शायद किसी और चीज को ही पकड़ रखा है, जिसके कारण अब इसका विग किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। लकीली इस मोमेंट को कैमरा में कैद करने के लिए कोई तो मौजूद था, वरना दुख व्यर्थ हो सकता था। मनुष्य जानवरों की तुलना में ज्यादा सक्षम होते हैं, लेकिन कौन जानता था कि पक्षियों को उड़ने की उनकी क्षमता के अलावा किसी और चीज में इंसानों से श्रेष्ठ होते हैं। अब इन दो तुलनाओं को ही देख लीजिए, जो कि साफ दर्शाती हैं कि ये पंखधारी पक्षी हमसे कुछ ज्यादा ही देख सकते हैं। सांपों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अवरक्त दृष्टि के विपरीत पक्षियों की रेटिना में अतिरिक्त शंकु होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जिससे ये उन रंगों को भी देख सकते हैं जो इंसानों की आंखें नहीं देख सकती। इसलिए पक्षियों को टेट्राक्रोमेट्स माना जाता है, क्योंकि वे चार रंगों को देख सकते हैं, जैसे कि यूवी, ब्लू, ग्रीन और लाल। वहीं इंसानों को ट्राइक्रोमेट कहा जाता है, क्योंकि वे सिर्फ तीन रंगों को ही देख सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और लाल। तो इनमें से कौन सी जिज्ञासु तुलना ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।